जवाहरलाल नेहरू अस्पताल और तमाम अस्पताल नमस्कार दोस्तों, दैनिक आकार में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वक्त हम अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल हैं, जहाँ का नया ये वार्ड है, ये बच्चा वार्ड शिफ्ट करने की इसके बाद यहाँ पर चल रही है। आज जो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी यहाँ पर आज निरीक्षण करने पहुँचे हैं, और निरीक्षण के दौरान यहाँ पर जो वार्ड है इसका पूरी तरह निरीक्षण किया जा रहा है। जल्दी ये वार्ड जल्दी ही इस वार्ड को भी चालू किया जाएगा। और इसी को लेकर है जो आज अस्पताल प्रशासन के उसको पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर निरीक्षण करने पड़ते हैं। Gracias.
बच्चा वार्ड का दूसरा फ्लोर है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये इधर से गेट है बाहर निकलने के, और ये सेकंड फ्लोर पे यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर नीचे सेकंड फ्लोर पे भी बच्चा वार्ड को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। और ये ऊपर देख सकते हैं PICU सेकंड है, इसके ऊपर एक और होगा वो थर्ड होगा, यानी थर्ड और फोर्थ, इस तरह एक नया बच्चा वार्ड यहाँ पर जल्द ही होने वाला है। बोले कह रहे जो स्वास्थ्य देव यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। तीसरी मंजिल पर भी और ये हम पहुंच चुके हैं दूसरी मंजिल पर, यहाँ पर ये लेस लेल इंटरेस्ट कॉर, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पूरा वार्ड है भी यहाँ पर शिफ्ट होने वाला है। और आइए आपको पूरा वार्ड वन और सेकंड पूरा दिखाते हैं किस तरह का ये वार्ड है। देखिए यहाँ पर जो ये बच्चे वार्ड है पूरा इसमें बच्चे छोटे छोटे बच्चे होंगे यहाँ पर शिफ्ट किए जा सकते हैं, नवजात शिशु को शिफ्ट किया जाता है, जो नवजात होंगे शिशु उनके लिए वार्ड है खास तौर पे। छोटे छोटे बेड यहाँ पर उनके लिए बनाए गए हैं। ये एक नया बच्चा वाले यहाँ से शिफ्ट हो गया। वो भी पूरी तरह सही रहे, इसी के लिए यहाँ नीचे पार्किंग कर यहाँ तक पानी के लिए भी निकासी के लिए व्यवस्था पूरी करेगी है, कहीं बरसात के अंदर ऐसा ना हो कि पानी निकलने भी व्यवस्था खराब हो, इस चक्कर में यहाँ पर जो है पार्किंग तरी नाली की फिर व्यवस्था की गई है। पार्किंग के रास्ते से अजमेर जैनन हॉस्पिटल में केंद्र सरकार के सहयोग से इसको अपने पेशेंट को पूरी सुविधाएं मिले इसके लिए पीडियाट्रिक वार्ड में बच्चे, क्योंकि बड़ी संख्या में संभाग का हॉस्पिटल है तो बड़ी संख्या में आते हैं, इसलिए आधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं के अनुरूप यहाँ पे बने इसके लिए लगभग यह 42 एक फ्लोर पे टोटल मिलाकर के 224 ये बच्चों के पेशेंट्स के लिए पीडियाट्रिक वार्ड तैयार हुआ है। काफ़ी दिनों से चर्चा थी कि इसको शुरू किया जाए, दो तीन बार अधिकारियों से चर्चा की, कहाँ स्मार्ट सिटी डिलीवर नहीं कर रहा है और ये कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी क्या था पूरा है, इसलिए मैं इसके यहाँ विजिट करने के लिए आया। तब बिटवीन स्मार्ट सिटी एंड डॉक्टर्स या मैनेजमेंट प्रशासन बीच में जो कुछ किया उसको ठीक किया सके और जल्द से जल्दी इसको हम उपयोग में ले सकें और पेशेंट्स को लाभ मिल सके इतनी बड़ी सुविधाओं का, ये रिचार्ज किया है। और अभी मैंने स्मार्ट सिटी से चर्चा की है, दे है कमिटेड कि 7 दिन के अंदर यहाँ जो कुछ भी कमियाँ हैं इसको हम दूर कर देंगे, उसका मुझे लगता है जुलाई के फर्स्ट वीक में हम इसका उद्घाटन करके हम नागरिकों के लिए और जन के लिए इस वार्ड को
काम शुरू कर सकेंगे। पार्किंग पूरी तरह तैयार है और पीडियोटेक में भी छोटी मोटी फायर एनओसी वगैरह तो मैंने संबंधित अधिकारियों से चर्चा की है, मुझे विश्वास है कि वो भी 7-8 दिन में ये कर लेंगे। और तीसरा जो गर्ल्स हॉस्टल है वो भी शायद तैयार है पूरा, तो वह भी हम लोग उसको भी बच्चियों के लिए हम भी उसको शुरू कर सकें। बाकी यहाँ पे अभी 2-3 और डिपार्टमेंट्स या मेडिकल का है, मेडिकल का है और आइसोलेशन है, उनके लिए भी मैंने इनको स्पीड अप करने के लिए कह रहा हूँ ताकि वह भी आके सरकार के पैसे का सही समय पर पूरा उपयोग हो और जन को उसकी सुविधाएँ मिले, इसके लिए आज यहाँ पे विजिट किया है और मुझे विश्वास है कि इसको हम बहुत जल्दी उपयोग कर सकेंगे। तो केंद्र सरकार ने इसी भावना से हमको ये पैसे दिए थे कि हम इसको जल्दी से जल्दी जनता को हम सुविधाएँ दे सकें। काफ़ी विलम्ब हुआ है, विलम्ब के कारणों की चर्चा संबंधित लोगों से करूँगा और जहाँ को जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसके बारे में विचार। सर क्या लगता है कि ये 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ पार्किंग? मुझे लगता है कि दोनों का उद्घाटन एक साथ में केंद्रीय मंत्री, क्योंकि अभी हमारा विधानसभा का सत्र भी होने वाला है, उस दौरान मुझे तारीख निकाल करके हम करेंगे, क्योंकि मैं तो मंत्री से तारीख ही मांग ली थी लेकिन बाद में पता लगा कि यहाँ जो है नहीं है, तो यहाँ के आज इनको मैंने दिया है। तो स्मार्ट सिटी के लोग भी साथ में और कंसर्न जो हमारा अस्पताल प्रशासन है उसके प्रमुख लोग साथ में, मैं सोचता हूँ उसको बहुत जल्दी शुरू करेंगे। ये अच्छे बने हैं कि पार्किंग हमेशा बाहर लोग परेशान रहते हैं, तो यहाँ पे लगभग 80 कारों की व्यवस्था है और 2 व्हीलर्स के लिए भी 2 फ्लोर है। मैं कहूँ यहाँ की पार्किंग के बाद अस्पताल की पार्किंग इम्प्रूव हो जाएगी और पीडियाट्रिक में भी पूरे संभाग के बच्चे यहाँ आते हैं और जिस तरह से ये आधुनिक तरीके से बनाया गया है मुझे लगता है कि अजमेर की